तो कुछ लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं, सबसे पहले मैं दो लाइन अपने इंट्रो में अपने परिचय में दे देता हूँ। एक शब्द है कलंदर, अक्सर लोगों ने सुना होगा, गानों में सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी वाक्य में सुना होगा। कलंदर का मतलब ये होता है कि वो दिन भर में अगर 100 रुपये कमाता है तो शाम को वो 100 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कुछ भी नहीं है। तो उसी के ऊपर दो लाइन ये हैं कि कलंदर कभी संगे मरमर के मकान में नहीं मिलता, कलंदर कभी संगे मरमर के मकान में नहीं मिलता, और पुष्पेंद्र सरकार वो देसी घी है जो बनिए की दुकान में नहीं मिलता। पुष्पेंद्र सरकार वो देसी घी है जो किसी बनिए की दुकान में नहीं मिलता। अगर भैया कोई हो तो बुरा मत मानना, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो अलग हो गए, दूर हो गए, सेपरेट हो गए, कि जब वो हुए दूर तो हम भी हुए। तो उसके लिए है कि यूं ही नहीं हम सबसे दूर हो गए, यूं ही नहीं हम सबसे दूर हो गए, कत्ल खुद करके खंजर हमारे हाथ में दे गए थे। कि यूं ही नहीं हम सबसे दूर हो गए, कत्ल खुद करके खंजर हमारे हाथ में दे गए थे। और पता है आजकल हम इतना भारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग हमें हल्के में ले गए थे, क्योंकि कुछ लोग हमें हल्के में ले गए थे। और आगे जो हैं वो इस तरीके से कि एक तो मेरे को डर सा लग रहा है, आज बहुत दिन बाद आया हूँ मैं। तो ये है आगे कि ये लिखा था कि तुम्हारे सुरताल नहीं बदले, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे सुरताल नहीं बदले, हमारे हाल नहीं बदले, अब किससे मोहब्बत करते हो तुम्हारे सवाल नहीं बदले। और बदलने को तो बहुत कुछ था मगर हालात नहीं बदले, वो फूल देख रही हो मुरझाए हुए से जो हैं, क्योंकि तुम लाई थी इन्हें इसलिए हमने फूलदान नहीं बदले, क्योंकि तुम लाई थी इन्हें इसलिए हमने फूलदान नहीं बदले। और अगली लाइन ये हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अत्याचारी है, कोई एक शख्स है था बराबर ही है। तो उसके लिए है कि वो परिंदे पालती है अपना दिल बहलाने के लिए, वो परिंदे पालती है अपना दिल बहलाने के लिए, और जुबा पे झूठ भी है कहानी अपनी सुनाने के लिए, और सोचती है मैं भी उसके परिंदों जैसा हूँ, मुस्कुरा के हामी भर देता हूँ उसको दिखाने के लिए। कि मुस्कुरा के हामी भर देता हूँ उसे दिखाने के लिए। और अगला है, मैं आज ज़्यादा शेर मतलब लेके आया हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा कुछ है नहीं बड़ा कुछ। तो वो है कि कागज़ के फूल को गुलाब कर सकता हूँ मैं, कागज़ के फूल को गुलाब कर सकता हूँ मैं, तुम्हारी इजाज़त हो तो हिमाकत कर सकता हूँ मैं, और ये वादे कसमें कम समझता हूँ मैं, ये वादे कसमें कम समझता हूँ मैं, पागल हूँ पागलों से मोहब्बत कर सकता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे है इसमें कि ये थोड़ी सी है कि इसको सुनिए, कि तुम्हारी जुल्फों की ये लटें, तुम्हारी जुल्फों की ये लटें जैसे घेरे हुए तुम्हारे चेहरे को, कभी दूसरी क्या लिखा है ये मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए ये है कि तुम्हारी जुल्फों की ये लटें जैसे घेरे हुए तुम्हारे चेहरे को, कभी इसी चेहरे की चमक में घिरे हुए थे हम, और मंजिल तो बहुत दूर थी हमारे आसे आने की, फिर भी तुम्हारे शहर में ठहरे हुए थे हम, एक रोज तुमको देखा था किसी और की बाहों में, सांसें चल रही थी मगर अंदर से मर चुके थे हम, सांसें चल रही थी मगर अंदर से मर चुके थे हम। अगला है एक और शेर, इसको सुनिए, कि इश्क में कांटे हैं फूल हैं, इश्क में कांटे हैं फूल हैं, इश्क आंधी है धूल हैं, और दो में से एक गया तो एक बचना मुश्किल है, कोई नहीं बचता यही तो इश्क का उसूल है, और मुझे छोड़ के जा रही हो तो खुश रहना, मुझे छोड़ के जा रही हो तो खुश रहना, और मर जाऊंगा तुम्हारे बिना ये तुम्हारी भूल है, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना ये तुम्हारी भूल है। और अगली सुनिए, इनको 8 लाइनों में उतारा है मैंने, इसको सुनिए, के दूर होने का भी कोई मजबूत बहाना होना चाहिए, आजकल क्या है बहाने क्या होते हैं, पापा नहीं मानेंगे
मम्मी नहीं मानेंगी। तो क्यों चली आई भैया, तेरे को नहीं मालूम था नहीं मानेंगे? तो उसके ऊपर लिखा था कि दूर होने का भी कोई मजबूत बहाना होना चाहिए, मुझ जैसे बेघरों के लिए कोई ठिकाना होना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि उन्हें कभी इश्क में मात नहीं मिली, सनी भैया कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इश्क में कभी मात नहीं मिली। अरे मेरे यार, तुम्हारे महबूब की नज़रों का निशाना कातलाना होना चाहिए, तुम्हारी महबूब की नज़रों का निशाना कातलाना होना चाहिए। और वो जो निकले काले लिबास में, वो जो निकले काले लिबास पर, उस पर हरजाना होना चाहिए, वो जो निकले काले लिबास में उस पर हरजाना होना चाहिए। उसकी चाहत का पहला हकदार हूँ मैं, मेरे बाद में सारा जमाना होना चाहिए, मेरे बाद में ये सारा जमाना होना चाहिए। और सुना है कि हद से ज़्यादा मोहब्बत मार देती है इंसान को, और सुना है कि हद से ज़्यादा मोहब्बत मार देती है इंसान को। चाहे जो भी हो हस्र मेरा, मेरा जनाजा उसके घर के आगे से रवाना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इसको थोड़ा सा टाइम, मैम टाइम चला गया, ख़त्म हो गया जल्दी ख़त्म हो गया जल्दी ख़त्म करता हूँ मैं। कि वो जो रात और रात तुमने अपना एहतराम बदला था, वो जो रात और रात तुमने अपना एहतराम बदला था, हमारी शादी के कार्ड पे से तुमने मेरा नाम बदला था। और उन वादों का क्या है, भूल जाऊँगा मैं कुछ लम्हों में, याद हमेशा रहेगा मैंने कैसे तुमने अपना ईमान बदला था। याद हमेशा रहेगा कैसे तुमने अपना ईमान बदला था। और कुछ दो, एक ये थोड़ी सी लिखी है, नई है, मतलब ताज़ा, किसी के ऊपर करंट में लिखी है, इसको सुन लो। तो ये है कि मेरे को छोड़ के गई वो और किसी से पट गई तो उसके फोटो वोटो आए मेरे पास, तो मैंने उस पर लिखा है कि जिंदगी की ये बहार मुबारक हो, जिंदगी की ये बहार मुबारक हो, बेवफाई का बाजार मुबारक हो। और अब कहानी अपना रुख बदलेगी, तुमको नया प्यार मुबारक हो। अरे हम तो तेरे हर लहजे पे मरते थे, तुम निकले यार गद्दार, मुबारक हो। और तुम्हारी औकात नहीं है स्कूटर की, तुम्हारी औकात नहीं है स्कूटर की, रेंज रोवर वाला यार मुबारक हो। और अब चाहे घूमो उसके साथ तुम सिटी बस में, अब चाहे तुम घूमो उसके साथ सिटी बस में, तुमको तुम्हारा संसार मुबारक हो। और तुम हो बेवफा ये जानते हैं हम, तुम हो बेवफा ये जानते हैं हम, ये जिस्मों का व्यापार मुबारक हो, हमको हमारी हार मुबारक हो, और तुमको नया प्यार मुबारक हो। और ये दो लाइन और बोल देता हूँ, इसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। ये शुरुआत मेरे से होती है, अंत मेरे से होता है, मैं तीसरी बार आया हूँ। जो लोग मेरे को नए सुनने उनको बता दे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये बात। और आखिर में ये है, एक्चुअली नाम भैया पुष्पेंद्र सिंह है मेरा, सरकार लगाता हूँ उसका रीज़न है, अगली बार बताऊँगा तो ये है लाइन, सुनिए। कि अब जीत से कोई सरोकार नहीं है, अब हार भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, कि अब जीत से कोई सरोकार नहीं है, हमारा धोखाधड़ी का व्यापार नहीं है। और अब रहो चाहे तुम किसी भी गुरूर में, अब इश्क की कतार में पुष्पेंद्र सरकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।